कल था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का वार्म अप मैच T20 वर्ल्ड कप के लिए, और वार्म अप मैच में ही फैंस ने भीड़ मचा दी। 20,000 से ज्यादा लोग आए हुए थे उस वार्म अप मैच को देखने के लिए। तो इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग डिसाइड की एंड ओपनिंग करने आए थे कैप्टन रोहित शर्मा एंड संजू सैमसन। संजू सैमसन सिर्फ 6 बॉल में 1 रन ही बना पाए और पवेलियन लौट गए, एंड रोहित शर्मा भी 19 बॉल्स में 23 रन बनाकर आउट हो गए। फिर आते स्पाइडी ऋषभ पंत, इनके साथ क्या हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई ने 2 साल बाद इंटरनेशनल मैचेस में कमबैक किया और आते ही दे छक्के दे चौके बांग्लादेश का तहलका ऑमलेट बना दिया। ऋषभ पंत भाई ने 53 रन बनाए 32 बॉल्स में 4 सिक्स एंड 4 फोर, और ऋषभ पंत ने साकिब अल हसन के एक ही ओवर में 3 छक्के लगा डाले और फिर उनको रिटायर हट होना पड़ा क्योंकि बाकी लौंडों की भी तो बैटिंग आनी चाहिए, क्योंकि एक प्रैक्टिस मैच था तो सभी को मौका दिया। फिर आते सूर्य कुमार यादव, इन्होंने भी 18 बॉल्स में 31 रन बनाए। फिर आते शिवम दुबे, पता नहीं इनका आईपीएल से फॉर्म कहाँ चला गया। आईपीएल में शुरू में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, बट जैसे ही T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुई भाई ने अपने फॉर्म के साथ ब्रेकअप कर लिया। फिर आते हार्दिक पांड्या, और एमआई की कैप्टनशिप में आपने देखा ही होगा इनका बिल्कुल बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा, बट इस वार्म अप मैच में आते ही दे छक्के दे चौके 4 सिक्स लगाए एंड 2 फोर्स लगाए और 23 बॉल्स में 40 रन बनाए। और आपने हार्दिक पांड्या को देखा ही होगा आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बट इंटरनेशनल मैचेस में क्या ही तो परफॉर्म करते हैं, और कहां गए वो हेटर्स जो बोल रहे थे। एंड रविंद्र जडेजा ने भी 4 रन बनाए, टोटल स्कोर हो गया 182 पे 5। सौम्य सरकार आए थे ओपनिंग करने और हर्षदीप सिंह ने इनको डक पे पवेलियन भेज दिया, और लिटिन दास ने भी 6 रन बना पाए और हर्षदीप सिंह ने इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग के साथ साथ ताजिद हसन का भी विकेट ले लिया। मोहम्मद सिराज ने भी हुसैन सांटो को डक पे पवेलियन भेज दिया। महमदुल्ला ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, 28 बॉल्स में 40 रन बनाए थे बट रिटायर हर्ट हो गए। और शिवम दुबे भले ही बैटिंग से कुछ नहीं कर पाए हो पर बॉलिंग में इन्होंने 2 विकेट लिए, इन्होंने टोटल 3 ओवर डाले और इकोनॉमी 4.3 की रही। इंपैक्ट प्लेयर के कारण इनको आईपीएल में बॉलिंग कराने का मौका नहीं मिल रहा था, बट इंटरनेशनल में इनको बॉलिंग कराने का फुल मौका मिलेगा। साथ ही में अर्शदीप सिंह ने भी 2 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने भी 1 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट लिया, हार्दिक पांड्या एंड अक्षर पटेल ने भी 1-1 विकेट लिए, और इस प्रैक्टिस मैच को इंडिया 60 रन से जीत लेती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्या पता मेरे सब्सक्राइब करने से इंडिया वर्ल्ड कप जीत ले। सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।